समर इज अराउंड द कॉर्नर, जिसका मतलब है कि अच्छा स्मेल करना और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है. सो यू बाय द मोस्ट एक्सपेंसिव परफ्यूम यू कैन गेट और आप उसे अप्लाई करके बाहर जाते हैं. बट द प्रॉब्लम स्टार्ट्स व्हेन, जब उस परफ्यूम को कोई स्मेल ही नहीं कर पाता, वो आपकी बॉडी पे एक या दो घंटे से ज्यादा स्टे नहीं करता एंड नोबडी कैन टेल कि आपने कोई परफ्यूम लगाया था इन द फर्स्ट प्लेस. सो व्हाट शुड यू डू? क्या आपको और ज्यादा महंगा परफ्यूम परचेज करना चाहिए ताकि वो आपकी बॉडी पे स्टे करे? द आंसर इज नो, क्योंकि इंडिया एक ट्रॉपिकल कंट्री है और इस क्लाइमेट में आप कोई भी परफ्यूम अप्लाई करें वो आपकी बॉडी पे उतने टाइम तक स्टे नहीं करेगा. Unless you use the right tricks and hacks. क्योंकि कुछ ट्रिक्स और हैक्स के इस्तेमाल से आप अपने परफ्यूम की लाइफ को इंक्रीज कर सकते हैं अप टू 2 to 4 hours. अगर आप उन सब हैक्स के बारे में जानना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप अपने परफ्यूम के पैसों को वसूल कर पाएं, तो उन सभी हैक्स के बारे में बात करेंगे हम इस वीडियो में. वीडियो शुरू करने से पहले इस चैनल पर हम स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस पोस्ट करते हैं. सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन दिस कंटेंट, कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल. टिप नंबर वन, अगर आप चाहते हैं आपका परफ्यूम आपकी बॉडी पे ज्यादा टाइम तक स्टे करे, उसे डायरेक्टली अपनी ड्राई स्किन पे अप्लाई ना करें. अपने परफ्यूम को लगाने से पहले उस स्पॉट पे थोड़ी सी वैसलीन रब करें और उसके बाद उस परफ्यूम को अपनी बॉडी पे अप्लाई करें, क्योंकि वैसलीन आपके उस परफ्यूम को ज्यादा टाइम तक होल्ड करके रखेगी और आपका परफ्यूम आपकी बॉडी पे ज्यादा टाइम तक स्टे करेगा. टिप नंबर टू, आप जब भी अपने परफ्यूम को लगाएं, मेक श्योर आप उसे अपने पल्स पॉइंट्स पे लगाएं, क्योंकि आपके पल्स पॉइंट सबसे ज्यादा हीट जनरेट करते हैं जिससे आपका परफ्यूम एक्टिवेट होगा और आपके आसपास के लोग आपके परफ्यूम को इजीली स्मेल कर पाएंगे. सो माय फेवरेट पल्स पॉइंट जहां पे मैं हमेशा अपनी फ्रेग्रेंस को अप्लाई करता हूं आर बिहाइंड माई ईयर्स, ऑन माई नेक, ऑन माई रिस्ट, ताकि कोई भी मेरे क्लोज आए तो दे कैन इजिली स्मेल माई फ्रेग्रेंस एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ यूजिंग अ परफ्यूम. टिप नंबर थ्री, मेक श्योर यू यूज एन एंटी प्रेस्परेंट, क्योंकि एंटी प्रेस्परेंट आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर देगा जिससे आपका परफ्यूम वॉश ऑफ नहीं होगा आपके स्वेट से और आपकी शर्ट्स कुछ ऐसी नहीं दिखेंगी. सो मेक श्योर यू यूज एन एंटी प्रेस्परेंट. बट आपको उसे इस्तेमाल कैसे करना चाहिए? आपको रात को एंटी प्रेस्परेंट को अप्लाई करना है ताकि सुबह तक आपके स्वेट ग्लैंड्स को ब्लॉक कर सके एंड आप इसे रात को अप्लाई करने के बाद सुबह शावर ले सकते हैं. दैट इज कंप्लीटली फाइन. और आपको इसे रोज रात को अप्लाई करने की जरूरत नहीं, आप इसे ऑल्टरनेट रातों को अप्लाई कर सकते हैं, फिर 3 days में एक बार भी अप्लाई कर सकते हैं इफ यू डू नॉट स्वेट दैट मच. आपको एंटी प्रेस्परेंट, रोल ऑन स्प्रेज बहुत सारे वेज में मिलेगा, आप जिसमें भी कंफर्टेबल हो आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं. मैं नीचे कुछ रिकमेंडेशंस मार्क कर दूंगा जिन्हें मैं खुद पर्सनली यूज करता हूं. टिप नंबर फोर, सपोज आपको बहुत ज्यादा लॉन्ग आवर्स तक बाहर रहना है या फिर आपको शाम को किसी फंक्शन में जाना है और आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप घर जाके अपने परफ्यूम को रीअप्लाई कर सके, सो व्हाट यू कैन डू इज यू कैन कैरी समथिंग लाइक दिस. क्योंकि अगर आप अपने पूरे परफ्यूम की बॉटल को कैरी करेंगे इट कैन इजीली ब्रेक और आपके परफ्यूम बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं एंड समथिंग लाइक दिस आप इसे कहीं भी कैरी कर सकते हैं. ये 100-200 रुपीस की आपको अमेज़न पे मिल जाएगी. आप इजीली इसमें अपने परफ्यूम को रिफिल कर सकते हैं और आप इसे कभी भी रीअप्लाई कर सकते हैं. टिप नंबर 5, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा कि वो अपने रिस्ट पे अपने परफ्यूम को अप्लाई करने के बाद अपने रिस्ट को रब करते हैं. आपको ऐसा करना अवॉइड करना है, आपको सिर्फ अपनी रिस्ट को टच करना है ताकि वो आपकी दोनों रिस्ट पे परफ्यूम अप्लाई हो जाए. बट अगर आप उसे रब करेंगे तो आपकी परफ्यूम की इफेक्टिवनेस को बहुत ज्यादा रिड्यूस कर देता है. सो डू नॉट वेस्ट योर परफ्यूम. टिप नंबर 6, आप डिफरेंट टाइप के परफ्यूम से डिफरेंट टाइप के आर्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ परफ्यूम यू आर यूजिंग. आपके परफ्यूम की बॉटल के ऊपर जरूर लिखा होगा कि वो कौन से टाइप का परफ्यूम है, वो EDC है, EDT है, EDP है, और डिफरेंट टाइप के परफ्यूम डिफरेंट टाइम तक आपकी बॉडी पे स्टे करते हैं. तो अगर आप इस बारे में और जानना चाहते हैं कि कौन से टाइप का परफ्यूम कितने टाइम तक स्टे करता है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं. बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सबसे ज्यादा स्टे करने वाला परफ्यूम लेना है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव होते हैं. तो आपको मिक्स रखना है इन चीजों का. फॉर एग्जाम्पल आप EDC का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आप कॉलेज जा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल फॉर अ रेगुलर डे. आपको उस दिन सबसे महंगा परफ्यूम अप्लाई करने की जरूरत नहीं है. बट अगर आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं, आपका बर्थडे या फिर आप किसी पार्टी में जा रहे हैं, देन यू कैन यूज द एक्सपेंसिव परफ्यूम जो ज्यादा टाइम तक स्टे करे. और बाकी दिनों के लिए आप एटमाइजर कैरी कर सकते हैं ताकि आप अपने परफ्यूम को रीअप्लाई कर सके. टिप नंबर 7, मेक श्योर आप अपने परफ्यूम को ओवर अप्लाई ना करें, क्योंकि नो मैटर आपका परफ्यूम कितना भी अच्छा है, अगर आप उसे बहुत ज्यादा अप्लाई करेंगे तो इट कैन बी अ रियल हेडेक टू द पीपल दैट आर स्मेलिंग इट. टिप नंबर 8, अगर आप समर मॉर्निंग के लिए कोई परफ्यूम पिक करना चाहते हैं तो यू कैन गो फॉर सिट्रसी, फ्रूटी और रिफ्रेशिंग फ्रेग्रेंस. और वहीं अगर आप इवनिंग फ्रेग्रेंस के लिए जा रहे हैं तो यू कैन गो फॉर लेदरी और वुडी फ्रेग्रेंसेस. बट मेक श्योर आप उन इवनिंग फ्रेग्रेंसेस को मॉर्निंग में अप्लाई ना करें बिकॉज दे आर टू हैवी टू अप्लाई इन मॉर्निंग. वीडियो से जाने से पहले नीचे जाकर इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. अगर आपने इस वीडियो से कुछ नया सीखा है तो नीचे कमेंट करो कि आपने क्या सीखा है. फिर कोई नई चीज जो आप चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूं उसके बारे में भी नीचे कमेंट करो, सो दैट आई कैन मेक अ वीडियो अबाउट इट. अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वेलकम टू द लाइफस्टाइल फैमिली.